तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, अली भाई हमें लेकर आए हैं किसी जगह। -10 लिखा हुआ है गाइस, आप लोग वो देखें। -10 नहीं होता, इससे ज्यादा होता है। देख रहे हैं अली भाई का चैनल, हमें अंदर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बंदे को भेजो और हमारा काम हो गया। हमें पता चला एक लड़का अंदर से आया विंटर लैंड के, जिसके हाथ बर्फ से बहुत ज्यादा हो गया, ठंड हो रहा है। क्या हो रहा है, हालत खराब हो गई है भाई। अच्छा भाई, अभी ठंडी हवाएं फेंक रहे हैं। कहाँ पर हैं हम लोग अभी? राइट नाउ रशिया में हैं। अस्सलाम वालेकुम पीपल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू व्लॉग। तो फिर से हाजिर। तो भाई सीन ऐसा कुछ है, अभी अभी मेरे पास आती है कॉल मेरे दोस्त की, जिसका नाम है अली, जिससे मैं आज आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ। इसके साथ हम लोग गाइस लास्ट टाइम मनोड़ा भी गए थे संडे वाले दिन, तो आज हम संडे को बनाने वाले हैं फंडे, क्योंकि उसकी आई है मेरे पास कॉल और 3 दिन पहले मेरा बर्थडे था, तो जिसका आई थिंक मुझे लग रहा है उसका रिवॉर्ड मुझे मिलने वाला है। पैदा होकर मैंने एहसान किया था, जिसकी वजह से मुझे भाई देने वाले हैं रिजल्ट, ओ सॉरी गिफ्ट। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ ज़रा रेडी होने, और उसके बाद मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, अली भाई हमें लेकर आए हैं किसी जगह, और मुझे जगह इतना पता है पीएफ म्यूजियम है, पता नहीं क्या सरप्राइज दिया, कह रहे थे किसी ठंडी जगह लेकर आ रहे हैं, अल्लाह माफ करे कौन सी ठंडी जगह है हमें नहीं पता। ये हमारे साथ मौजूद है, क्या हाल है अली भाई, कैसे हैं आप? बाकी जाना कहाँ है अभी हमने? चलो कहाँ चलो, मंजिल की तरफ चलो चलते। गाइस हम लोग जा रहे हैं, वहाँ सामने वो लोकेशन दिख रही है आप लोगों को, ये अली भाई ने पता नहीं क्या कहा है, कुछ रशियन टाइप जगह है ना, जहाँ अटलांटिक ओशन, जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। आई एम राइट और नॉट? फ्लाइट है से मेरी कार की, रशियन की कुछ भी, सॉरी रशियन। तो ब्लॉपर हो गई। ये सरप्राइज रखा था आपने मेरे लिए, आपकी पोनी बड़ी बेहतरीन लग रही है बाकी। अच्छा हाँ, तो क्या सीन है भाई, यहाँ के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमें फॉलो करने हैं लाजमी है? एक दफा अंदर चलेगा तो बाहर नहीं आ सकता। अच्छा एक दफा निकलेगा पैसे जाया फिर यार, ये क्या सीन है, चलो बर्दाश्त करना पड़ेगा। -10 लिखा हुआ है गाइस, आप लोग वो देखें। -10 नहीं होता, इससे ज्यादा होता है। अच्छा और यहाँ का जो पर हेड वगैरह टिकट वगैरह क्या सीन है उनका हिसाब किताब? 1500 रुपीज़ है और 1 आवर की लिमिट है। और अभी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आई मीन पर हेड क्या हुआ, कोई डिस्काउंट वस्काउंट है? आई थिंक 1500 या 1000 है। चलो चल के देखते हैं क्या। A few moments later. अली भाई का चैनल, हमें अंदर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बंदे को भेजो और हमारा काम हो गया और हमारे हाथ में आ गए टिकट्स। That's called the power and resource. जलवा है हमारा। हाँ जलवा है, जलवा। Thank you अली भाई for this surprise. I really appreciate myself that you are my friend and best friend since 10 years ago right now. नहीं ज़्यादा ज़्यादा हो गया, बल्कि 17-18 साल हो गए। 17-18 साल है, 4-5 साल के थे हम। 4-5 साल के थे जब से हमारी दोस्ती आ रही है। Can you imagine guys? वो बंदा अभी तक मेरे साथ है, सगा बंदा साथ है अभी। मेरे ख्याल में जितना टाइम तूने मेरे साथ स्पेंड करा है, जहाँ जहाँ जो जो एक्सपीरियंस तूने किए ना, किसी और के साथ नहीं करे। ये बात तो बिल्कुल है, लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस तुमने मेरे साथ ही करा। जो यकीन नहीं करेंगे, लिटरली हमने बाइक चलाना साथ सीखी, और एक और चीज हमने बाइक के आपस में टुकराना साथ 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 ठोकी सारी बाइक, एक्सीडेंट इतने करे हैं ना अली याद है? कौन सी बाइक पे करे ये भी बताओ। आप लोग कुछ सोच सकते हैं, उस वक्त हमारे पास होती थी 70 और वो भी इतनी कुछ खास नहीं थी, फिर एक वक्त आया फिर हमने 150 चलाना शुरू करी, अली भाई ने हमें 150 चलाना सिखाई और खुद भी चलाई भाई। 150 कैसी थी वो? ओहो करण भाई उसके ऊपर खर्चा वर्चा करा थोड़ा, बनी हुई थी वो फुल खतरनाक बनी हुई थी। और अब तो अली भाई के पास जहाज है, 125 है, और उस सबसे बड़ा जहाज पता है क्या है, वो रिवील करना है या नहीं करना है? कर दो। चलो कर दूँ। तो भाई सिवेक है, और सिवेक कौन सी है? डॉल्फिन नेपट्यून गाड़ी भाई साहब। उसको आप लोगों को मैं दिखाता रहता हूँ स्टोरीज वगैरह में, आप लोगों ने देखा मेरे शॉर्ट में, लेकिन उसका प्रॉपर एक ब्लॉग आने वाला है। अली भाई आएगा ब्लॉग उसका या नहीं? आएगा, वेरी सून है, कमिंग सून है। हमें पता चला एक लड़का अंदर से आया विंटर लैंड के, जिसके हाथ बर्फ से बहुत ज्यादा हो गया ठंड, और ये उनके रिश्तेदार है। कौन है भाई, कजन उनके? दोस्त। क्या हुआ सीन उनका यार? असल में उनके हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हो गए। अच्छा बहुत ज्यादा हो रहा भाई, हो रहा वो भाई अपने हाथों को ठंडा करने में लगा हुआ बेचारा। यार मैं आपका रिएक्शन ले सकता हूँ भाई अंदर का? समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या हो रहा है? हालत खराब हो गई है भाई। अच्छा हाथ रब करो ना अपने। वो तो हिल नहीं रहे। अच्छा यूं करो,
मूव करो, मूव करो ना। अरे भाई क्या बोल रहे, ये क्या कर रहे हैं, मूव करो यार। ये एनर्जी थोड़ी तुम्हारी ना मतलब ब्लड की सर्कुलेशन में ना थोड़ी अप एंड डाउन होगी तो थोड़ा सेट होगा। अप एंड डाउन तो सही है। ये भाई कुछ और तरीका बता रहे थे रब करने का, हाथ गरम करने के, हाथ गरम करने का अलग तरीका। लेकिन मजा आया तुम लोगों को भाई? बहुत फर्स्ट एक्सपीरियंस था जी जी, बहुत ज्यादा जी जी, मजा आया। और ढाई घंटे में सेट हो गया था पूरा? हाँ, एक घंटे में बंदा सेट हो जाता है, उसके बाद हालत टाइट हो जाती है। अच्छा चलो अभी जाके देखते क्या होता है। एक बात बताऊँ आप लोगों को पर्सनल अंदर की, यहाँ की टाइमिंग जो है ना बहुत लेट है। अभी हम लोगों को एक घंटे का टाइम दिया है यहाँ पे, मतलब एक घंटे का हमें टाइम दिया, हम लोग एक घंटा वेट पे हैं अभी लिस्ट। गाइस हमारी एंट्री हो चुकी है खतरनाक वाली विंटर लैंड के अंदर, हम लोग जा रहे हैं। अभी से ठंड का एहसास होता जा रहा है। अच्छा मुझे ये जैकेट्स वगैरह, पूरा माहौल है अंदर, VIP फुल सीन है। ये देखें ये व्यू है, असल मेरे बाल खराब हो गए, फिर बाल खराब है। अभी से हाथ कप कपाने लग गए गाइस, अभी से ऐसी हालत है। कोई एंट्रेंस हमारी सामने, ये ग्लव दिए उन्होंने हमें पहनने के लिए, अभी हम जा रहे हैं अंदर। तुम बनाने ही रखो इसको, मैं भी यही सोच रहा हूँ। नहीं भाई ठंड हो रही है अभी तो यार, जिप कैसे लगवाऊं अली जिप? मैंने जिप भी नहीं लगाई, अभी अंदर आया हूँ खाली। जिप कहाँ है इसकी? जिप वाला ही नहीं है, बटन वाला है। मेरे को सर्दी लग रही है। मैं बटन कहाँ है इसके? कोई नहीं है आसमान, क्या करेंगे फिर? ये खुला ही रहेगा क्या? बटन है, रहने नहीं बटन तो है, वो नहीं है, एक है खाली। तो लगा ली, सर्दी लगना शुरू हो गई है, सर्दी लगना शुरू हो गई है भाई, मुझे सर्दी लगना शुरू हो गई। नहीं उतार सकता चले। एक मिनट, एक लफ उधर। अबे नहीं ए भाई साहब, भाई बे भाई बे अली भाई बे भाई बे भाई बे अली, ठंड है अली, बहुत ठंड है अली। बैठ जाऊं मैं? वो बैठ सकते। भाई ये भी ठंडी हवाएं फेंक रहे हैं, यही तो लगता है, यही तो फेंक रहे हैं। अरे सर नाक से दर्द हो रहा है कानों के पीछे। हाँ ये साइड था सच में, मैं अभी बन चुका हूँ असील लौंडा। क्या कर रहा है ये लड़का, असील लौंडा है। ये यहाँ से जाएगी और ये पूरा घूमते हुए वो पूरा नीचे आएगी भाई। नीचे बाद में जा रहा तो एक एक करके स्टोरी बना लेंगे, नीचे से बना लूंगा मैं ऊपर। हाँ हाँ बिल्कुल। रिकॉर्ड करो कैसे फेंक रहे बैठा।
यार मैं एकाद से फोन पकड़ूंगा वो रिकॉर्ड करो आज फोन पकड़ूंगा एकाद से कुछ होगा तो नहीं बताओ तो अब यार लास्ट बात नहीं मानना यार प्लीज कहाँ है हम है कहाँ पर है हम लोग अभी राइट नाउ रशिया में हैं और यहाँ पे -30 है जिसका ये ताबिल हो गया बहुत सर्दी है यहाँ पे गाइस ये वाला व्लॉग होने वाला है बहुत डेंजर क्योंकि आप देख सकते हैं अंदर हम लोग मौजूद है इग्लू के अंदर रास्ता कहाँ खत्म हो रहा है अरे ये मैं कहाँ आ गया अभी कौन से घर में आई है ये कौन से घर में आई है गालो अबे अली अरे बेटा एक मिनट बाहर निकलना ये पीछे से जाना है अरे निकलना यार बाहर निकलना बेटा प्लीज अली यहाँ से आ जा अली इधर आ जाओ अली तुम कहाँ हो इधर आओ किधर अबे बेटा ये बच्चों का इग्लू है यहाँ आ गए इसमें जल्दी बाहर आ जा अली कहाँ से रास्ता चलो अली यार मेरा बैग पकड़ो मैं स्लिप हो जाऊंगा अली 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 बैग पकड़ अली अली मैं खड़ा नहीं हो सकता अली अली मुझे मत छोड़ के जा अली अली खाने के पैसे तो दे जा अली यार अली खाने के पैसे तो दे जा लेकर अली जल्दी आइए पकड़ अली अली पकड़ बहुत सर्दी है अली बेटा एक मिनट यार प्लीज अली ये पकड़ यार यार क्या कर रहा है यार अरे मुझसे नहीं खड़ा अबे अरे कहां बैठी है मैं यार अली स्लिप नहीं हो ना देख मैं ठीक हूँ गाइस मुझे कुछ नहीं हुआ लेकिन बहुत जोर की लगी है मेरे घुटना शहीद हो चुका अंकल नहीं है जी मैं ब्लॉगिंग करता हूँ चैनल असफर खान ब्लॉग्स नाम है मेरे चैनल अली यार तू प्लीज मेरी मदद मोबाइल दे मुझे मोबाइल दे दो अली दे दे पहले अली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कुत्ते दोबारा गिर जा मुझे नहीं गिरा देना पकड़ अली यार तू कहाँ यार घुटना टूट गया मेरा पता नहीं क्या अबे यार तुम कोई पागल वागल हो गया यार चाय अली एक मिनट गाइस अली खो गया अली धुआं में एक है धुआं अली ये नहीं कर प्लीज बॉले लग जाएंगे अबे अली ये तो प्लास्टिक की है अरे नहीं कर यार अली तो आ रहा है घर की तरफ क्योंकि एक्सिट होने वाली है बहुत ज़्यादा हो गया है डेंजर माहौल अब आई कांट बेयर आई कांट टॉलरेट अली से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा अब एक्सिट हो चुकी है हम जा रहे हो एक्सिट गेट ही नहीं खुल रहा गाइस ये क्या हो गया
-10 का बोल के इन्होंने हमें फूल बनाया, -30 है ये तो। खोलो अल्लाह हाफिज भाई विंडरलैंड, आई लव विंडरलैंड, अल्लाह हाफिज। एक लास्ट राइड आप लोगों के साथ गाइस, खुल गया। A few moments later. Guys, मेरे हाथ मूव नहीं कर रहे हैं, ये देखें आप लोग कैसे हो गए अंदर से हाथ। Literally it's not working right now. I am totally gone. ऐसा लग रहा है बस मज़ा बहुत आया। It's gonna be so next level. But right now I want, you know, some क्या कहते हैं उसको, नहीं हाँ हीट चाहिए, हीट। कैन वी नीड सम वॉर्म, कोई मुझे अगर वॉर्मनेस दे सकता है तो दे दे अभी राइट नाउ, क्योंकि अभी अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी थी, अभी भूख लग रही है, अभी कुछ जाके खाने का सीन है, खाते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। क्या सीन है, हाथों की बच चुकी है बाकी अभी फिलहाल तो। हाँ भाई क्या सीन है, फिर मज़ा आया है, एक नंबर फुल सेक्सी भाई, बहुत ज़्यादा हमने करा इन्जॉय, बहुत ज़्यादा हमने करा एंजॉय। पीछे अंकल मुझे बोल रहे हैं क्या आपने हायर बुक करी है, मैंने बोला क्या हो गया चाचा, हम बाइक पे आए यहाँ से, हम कैसे जाएंगे भाई। अली भाई की बात ये है, कुछ अली भाई ने करवाया एंजॉय हमें फुल, बहुत ज़्यादा मज़ा आई। और अभी अली भाई हमें कुछ खिलाने वाले हैं, क्या खिलाने वाले हैं अली भाई, देखो क्या सीन बनता है, क्या सीन बनता है। अभी तो फिलहाल बहुत भूख लग रही है हमें। बाकी अगर मैं बात करूँ अली भाई की पर्सनैलिटी की, क्योंकि अभी नेक्स्ट सैटरडे संडे शायद एक और सरप्राइज मिलने वाला है अली भाई की तरफ से मुझे, जो है ओमिनो काटिंग गया था सीन। तो भाई अली भाई हमें वहाँ पर लेके जाने वाले हैं, ये बंदा वन मैन आर्मी है, अभी राइट नाउ ये KPT पे होता है। इसने बोला मैं अभी प्रॉपर फेस रिवील करने वाला हूँ आपको इंशाल्लाह, जब ये अपने साथ अपनी प्यारी सी माशूका जो इनकी गाड़ी है डॉल्फिन के साथ रिवील करेंगे। क्यों अली भाई चले बाकी, ओके गाइस हम लोगों को आए हुए एक घंटा हो चुका है विंटर लैंड से, और मैं सो चुका था क्योंकि मेरी हालत इस काबिल नहीं थी कि मैं जाग के बस कुछ भी मोबाइल यूज़ करूँ या स्टोरीज अपलोड करूँ। बाकी सीन ये है कि अली भी जा चुका है क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी ऑलरेडी, मैं बाकी का व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया खाने पीने का क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था विंटरलैंड का, और जो जो फर्स्ट टाइम जाएंगे उन वो लोग ऐसे ही एक्साइटेड होते हैं जस्ट लाइक मी, जैसे मैं एक्साइटेड हुआ था। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा मज़े का था। बट गाइस मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा, अगर आप लोग जाना चाहते हैं विंटरलैंड, अभी ऑफर लगी हुई है और इस ऑफ़र को जाके फ़ौरन अवेल करें। और वन मोर इज इम्पॉर्टेंट थिंग, वो लोग अपने ग्लव्स देते हैं, जैकेट्स देते हैं, बट उनके ग्लव्स आप लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेगा, इट्स वेरी थर्ड क्लास ग्लव्स और चीपेस्ट होते हैं वो, जानबूझ के लिए रखे हुए हैं कि लोग जल्दी वापस आ जाएं। आप लोग अपने ग्लव्स लेकर जाएं, उनके ग्लव्स को ले लें और जेब में रख लें, अंदर जाके अपने पहन लेगा जो आप लोग लाएं। बाकी जैकेट्स वगैरह उनकी बहुत अच्छी हैं। बाकी अपना अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ, इट्स सो गुड, सो फैसिनेटिंग एट ऑल। बाकी अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो और अगर किसी को कोई भी आस्क करना हो क्वेश्चन, तो मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके रब्ता करें, आपका भाई सब कुछ गाइड करेगा। बाकी जिन जो जो मेरे ब्लॉग्स में आए हैं ऑलरेडी, तो गाइस आप लोगों को भी बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ब्लॉगिंग आ रही है, मैं आप फिर से हाज़िर होने वाला हूँ एक नए ब्लॉग्स के साथ। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।